हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। सबसे पहले किसानों के हित में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज माफ किया जाएगा, ये कहा। किसानों के कर्ज की ब्याज पर पेनल्टी माफी की भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया। जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएम पैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समितियां पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफाल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी समय बकाया 1,739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1,739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं।